At the Devil's Pond. हाँ कहो कौन है ना मेरी अदा सबसे जुदा। आपकी तो हर अदा मुझे पसंद है। तो हूँ ना मैं हैंडसम, हूँ ना मैं जावाज, सबका चहिता हीरो नंबर वन नियॉन। आप हैंडसम है, जावाज है सर। हाँ पता नहीं मैं इतना फेमस हूँ। हाँ तो लड़कियों लाइन में खड़ी हो जाओ और जिन्हें ऑटोग्राफ चाहिए वो अलग खड़ी हो जाए। वो नियांडर। मुसीबत में फंस गए थे, नियांडर कामेन ने हमें बचा लिया। हम दोनों मछली पकड़ने गए थे पर पानी के बहाव में बहते चले गए। उसने आते ही हमें नाव के साथ उठा लिया। नियांडर कामेन बहुत महान है, वो बहुत अच्छा है। ये लड़के ऐसे क्यों फिरा है, ना इसके मूछ में बात है ना पूछ में। तो दोस्तों मछली पकड़ने अकेले कभी मत जाना, समझ गए? ठीक है, मैं चला। इसे क्या लगता है सिर्फ ये उड़ सकता है, मैं नहीं। अब देखो ये मैं गया। आज भी खबरों में है सिर्फ नियांडर कामेन। बच्चों की जान बचाकर एक और कारनामा कर दिखाया है। तो आज की पॉपुलर पर्सनालिटी है, जी हाँ, आपका अपना नियांडर कामेन। अपनी बकवास बंद करो। वैसे इस भद्दे से बिल्ले में क्या है जो मुझ में नहीं है? सारा शहर जानता है कि नंबर वन इस शहर का मैं हूँ, मैं नियांग। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबको ये बताना होगा कि आप नियांडर से ज्यादा शक्तिशाली हैं और उसके लिए आपको किसी कैट से मुकाबला करके उसे हराना होगा, तभी बात बनेगी। समझ गया सर, मैं हूँ ना। ओ कहाँ जा रही हो कौन? दोस्तों कौन जो लोमड़ी है चल पड़ी है नानरिवा नदी के पास जहाँ उसकी जिगड़ी दोस्त जिंको गिलहरी रहती है। तो आइए देखते हैं कि कौन अपने जिगरी दोस्त के पास आखिर आई क्यों है। नहीं? हे, क्या बात है कौन, आज बड़ी परेशान लग रही हो। जिंको मेरी अच्छी दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। नियॉन से मुकाबला करने के लिए किसी को ढूंढो। पर क्यों? वो मशहूर होना चाहते हैं और जब तक वो किसी से मुकाबला नहीं करेंगे कैसे मशहूर होंगे। कौन, ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा तुम उस जंगली बिल्ले नियॉन के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो। मुझे नियॉन सर बहुत पसंद है, मैं उन्हें खुश दिखना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे हैरानी होती है तुम्हारी सोच पर मैं मदद करूँगी। हाय सरकी जी, जरा बाहर आना। इनको लो, मैं आ गया। आप जल्दी कहो क्या बात है। तुमने तो हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। हाँ। सोच रही हूँ क्या कोई ऐसा है जिससे मुकाबला करके नियॉन जीत सके। अरे वाह, है ना गंदा शैतान सा दिखने वाला कैटफिश, बहुत ठीक रहेगा। नियॉन कैटफिश को हराकर हीरो बन सकता है। ओ, तुमने ठीक कहा। हे कौन? ओ, लेकिन ये बिना बताए चली कहाँ गई? वाकई बड़ी चालाक है। तो मुझे उस तालाब में रहने वाली कैटफिश को हराना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हराकर मशहूर बन जाऊंगा?
कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप मशहूर बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं शैतानी तालाब की ओर। देखकर ही डरावना लग रहा है आई, यही आवाज सुन रहे हैं, कई बार लगता है आखिर यही आवाज है किसकी। हाँ मुझे आ? सब याद है। हिम्मत है तो बाहर निकल मुझसे मुकाबला कर। डर गया मैं आया। मैं जानती थी आप बहादुर है। हिम्मत है तो बाहर निकल, एक मुक्के में तेरा कचूम्बर बना दूंगा। सच में बाहर हाँ ठीक है मैं मैं फिर से आया। भी लिया करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत के लिए चोट पहुंचाओ, मैं आ रही हूँ। मेरी कमर, बचाओ। अब इस वक्त मदद के लिए कौन पुकार रहा है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सपना नहीं, ये सच है। क्या तुम्हें नहीं पता रात को देर तक बाहर खेलना अच्छी बात नहीं है? मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है कि मुझे नियांडर कामेन ने बचाया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? मैंने मदद मांगी, मैं डर गई थी। हाँ जब भी सुनेगा मदद की पुकार फौरन पहुँचेगा आपका नियांडर कामेन। पहनता है लाल लंबा चोगा, पता नहीं ये किस वक्त कहाँ होगा। नियांडर कामेन, पता नहीं दूसरों को बचाने के लिए वो अपनी जान खतरे में क्यों डालता है। गुड मॉर्निंग, ये है केप टाउन टीवी और आप देख रहे हैं कामेन चैनल। आज भी नियांडर कामेन ने कमाल कर दिया। चोटों से ज्यादा मुझे इन खबरों से दर्द हो रहा है। हर किसी के पसंदीदा पता नहीं वो नियांडर बिन बुलाए मेहमान की तरह कहां से अटपका। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। नियांडर के बच्चे, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा, तुम बच नहीं पाओगे। मैं फिलहाल तो ये कहानी यही खत्म होती है, पर सोचता हूँ आगे क्या होगा। क्या इन्हें कोई आइडिया सूझेगा? क्या नियॉन की शक्ति हम देख पाएंगे? तो देखते हैं अगली कहानी में।